नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका ओनली न्यू नेशन में। पश्चिम बंगाल में राजनीतिक खेल चरम पे है, पूरी तरीके से एक माहौल बन गया है पश्चिम बंगाल में ऐसा कि चुनाव के 6 महीने पहले ही एक बड़ा खेल शुरू हो गया है और ममता बनर्जी के ऊपर तलवार लटक रहा है। आपको पूरी खबर हम आपको बताएंगे, उससे पहले हम आपको बता दें कि ममता बनर्जी अब परेशान हो चुकी है। ममता बनर्जी को समझ में नहीं आ रहा है कि पश्चिम बंगाल में क्या होने वाला है। दरअसल कई विधायक या यूं कहें कि सैकड़ों विधायकों पर बड़ा खेल होने वाला है और ममता बनर्जी कहीं ऐसा ना हो कि चुनाव होने से पहले ही सरकार गिर जाए ममता बनर्जी की, क्योंकि ऐसा अंदेशा जताया जा रहा है। कई लोग कह रहे हैं कि ममता बनर्जी जो कि बार बार बीजेपी पर हमला कर रही हैं, ममता बनर्जी बोलती हैं कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार फिर से वापस आने वाली है, लेकिन स्थिति ऐसी बन रही है कि ममता बनर्जी की पार्टी के ही बड़े बड़े विधायक सीधे तौर पर ममता बनर्जी के खिलाफ मोर्चा छेड़ चुके हैं। पूरी खबर हम आपको बताएंगे, बने रहिए। कमेंट बॉक्स में अपनी राय आप जरूर दीजिए, क्या आप चाहते हैं पश्चिम बंगाल में किसकी सरकार बने। और साफ तौर पे ममता बनर्जी जो कि कहती हैं कि प्रभु श्री राम ममता पश्चिम बंगाल के बैकग्राउंड से नहीं है या उनकी संस्कृति से नहीं आते हैं, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं उनके विधायकों पे भी जा रही है और उसका प्रभाव पड़ रहा है, जिसकी वजह से उनके विधायक खुद अब ममता बनर्जी से दूरी बना रहे हैं। फिलहाल पूरी खबर की ओर बढ़ते हैं। हम आपको बताएंगे कि पश्चिम बंगाल में खेल क्या हो गया और अमित शाह ने क्या जादू कर दिया। अमित शाह आने से पहले ही पूरा का पूरा बवंडर मच गया है पश्चिम बंगाल में। आपने शुभेंदु अधिकारी का नाम सुना होगा, हम एक दो दिन पहले ही बता रहे थे। दरअसल शुभेंदु अधिकारी का पार्टी से छूटना या निकलना उससे संबंधित आज का समाचार नहीं है। यह समाचार जो हम आपको बताने जा रहे हैं यह उससे भी बड़ा समाचार है कि शुभेंदु अधिकारी खुद तो जा ही जा रहे हैं, सैकड़ों विधायकों पर अपना प्रभाव बनाते हुए सबको तोड़ने की बात चल रही है। और उसके साथ ही कौन कौन विधायक टीएमसी में शामिल हो गया, टीएमसी को छोड़ के बीजेपी में शामिल हो गया, यह भी हम आपको बताएंगे। पूरी खबर पढ़ के बताते हैं आपको। पश्चिम बंगाल में चुनाव होने में लगभग 6 महीने वक्त है, लेकिन माहौल अभी से बनने लगा है। तृणमूल कांग्रेस में अच्छी खासी पकड़ रखने वाले शुभेंदु अधिकारी ने आखिरकार बीते दिन विधायक पद से इस्तीफा दे दिया, यानी कि कल ही विधायक पद से इस्तीफा दिया था शुभेंदु अधिकारी। कल हमने आपको बताया था कि शुभेंदु अधिकारी ने विधायक पद से तो इस्तीफा दिया ही दिया, संकेत भी दे दिया कि वो बीजेपी में शामिल होंगे। उनका कार्यालय भगवा रंग से पुतवा दिया गया है। भगवा रंग से पूछने पर उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये शौर्य और बलिदानी का प्रतीक है, इसलिए हमने अपना कार्यालय भगवा रंग से पुतवाया है। लेकिन यह संकेत साफ तौर पर जाहिर करता है कि अमित शाह के आते ही शुभेंदु अधिकारी खुले मन से यह घोषणा करने वाले हैं कि वो बीजेपी में शामिल होंगे। शुभेंदु अधिकारी की बात हम यहां पे बार बार क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये ऐसे नेता हैं पश्चिम बंगाल के जिनका 60 से 70 विधानसभा क्षेत्र में प्रभाव है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि उनके जाते ही प्रभाव देखने को मिल रहा है। लगातार विधायकों का हम नाम बताएंगे, कौन कौन सी विधायक टीएमसी के नेतृत्व के खिलाफ हो गए हैं। इससे पहले शुभेंदु अधिकारी से पहले मिहिर गोस्वामी पहले ही शामिल हो गए थे और मुकुल राय भी शामिल हो गए थे पहले ही बीजेपी में, उन्होंने छोड़ दिया था टीएमसी। लेकिन अब एक पूरी लिस्ट सामने आने वाली है आप लोगों के कि जो टीएमसी छोड़ के बीजेपी का दामन थामने वाले हैं, जिससे पश्चिम बंगाल की राजनीति पूरी तरीके से पलट जाने वाली है और यूं कहें कि पश्चिम बंगाल में भगवामय होने वाला है। चले बढ़ते हैं पूरी खबर की ओर। लंबे वक्त से टीएमसी से अलग ही रास्ता अपनाए हुए थे शुभेंदु अधिकारी, लेकिन अब खबर है कि शुभेंदु अधिकारी अपने साथ कुछ विधायक सांसद को भी बीजेपी का दामन थमवाने वाले हैं, यानी कुछ सांसद भी टीएमसी छोड़ेंगे और विधायक भी टीएमसी छोड़ेंगे। सूत्रों की माने तो शुभेंदु अधिकारी ने टीएमसी सांसद सुनील मंडल से मुलाकात की। इस दौरान टीएमसी विधायक जितेंद्र तिवारी और अन्य कुछ नेता भी मौजूद रहे। बता दें कि सुनील मंडल ने बीते दिन पार्टी नेतृत्व पर सवाल खड़े किए थे। इसके अलावा जितेंद्र तिवारी भी आंख दिखा चुके हैं टीएमसी को, यानी कि ममता बनर्जी को। जितेंद्र तिवारी और ये सुनील मंडल सांसद हैं, यानी कि सांसद विधायक सब के सब टीएमसी छोड़ रहे हैं। पूरा का पूरा राजनीति जो पश्चिम बंगाल का चल रहा है पूरी तरीके से बदलने वाला, इससे कहीं ना कहीं ममता बनर्जी को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। सरकार गिरने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। आपको बता दें कि चुनाव से पहले टीएमसी में खफा होने वाले की लिस्ट हर रोज बढ़ती जा रही है।
अभी तक आधा दर्जन से अधिक पार्टी नेता पार्टी छोड़ चुके हैं। आधा दर्जन यानी कि लगभग 6 नेता पार्टी छोड़ चुके हैं। ये सारे के सारे मंत्री या विधायक हैं, छोटे मोटे नेता नहीं हैं। इसके अलावा अगले साल चुनाव से पहले टीएमसी के सामने बीजेपी का सामना करने के साथ साथ खुद के घर को बचाने की भी बड़ी चुनौती है। ये चीजें सामने जो आ रही हैं। शुभेंदु अधिकारी के अलावा शीलभद्र दत्ता, ज्योतु लाहिरी, नाम सुनिए ध्यान से, ये भी नेता हैं, प्रभावशाली नेता, वहां के विधायक हैं। शीलभद्र दत्ता, ज्योतु लाहिरी, राजीव बनर्जी, जीतेन तिवारी समेत कई नेता विधायक टीएमसी नेतृत्व के खिलाफ आवाज उठा चुके हैं और अब ये टीएमसी छोड़कर बीजेपी को ज्वाइन कर चुके हैं। इनमें से कई ज्वाइन कर चुके हैं और कईयों से संपर्क में है। शुभेंदु अधिकारी का दावा है कि लगभग 50 विधायकों से और नेताओं से संपर्क में है जो कि टीएमसी छोड़ के बीजेपी में शामिल होंगे। इसी से यह अंदेशा जताया जा रहा है कि हो सकता है ममता बनर्जी की सरकार ही गिर जाए और आने वाला कोई बड़ा चेहरा हो जाए, या आशंकाएं जो लोग जता रहे हैं कि अगर चुनाव से पहले सरकार गिर जाती है तो जाहिर सी बात है कि नेता यानी मुख्यमंत्री कौन बनेगा। तो मुख्यमंत्री कोई नहीं बनेगा, राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है। वैसे भी गृह मंत्रालय साफ तौर पर नाराज है ममता बनर्जी से, क्योंकि ममता बनर्जी ने केंद्र से ही बगावत कर दिया है। आपको पता होगा कि जेपी नड्डा और कैलाश विजयवर्गीय पर हमला हुआ हाल ही में और कैलाश विजयवर्गीय को चोट आई, जिसके बाद 25 नेताओं को, अलग अलग 25 नेताओं को जेड श्रेणी, जेड प्लस श्रेणी और वाई श्रेणी की सुरक्षा दिलाई गई केंद्र सरकार के द्वारा। और वहीं गृह मंत्रालय ने जब तलब किया वहां के अधिकारियों को पश्चिम बंगाल के, तो टीएमसी यानी ममता बनर्जी ने साफ तौर पर अपने अधिकारियों को केंद्र के सामने भेजने से मना कर दिया, यानी कि पूरी तरीके से बगावत कर लिया है ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार से। और वहीं टीएमसी के कई नेता आरोप लगा रहे हैं केंद्र सरकार की तरफ से जो योजनाएं आती हैं उसको टीएमसी लागू नहीं करने देती अपने क्षेत्र में, क्योंकि इससे बीजेपी को फायदा मिलता है। यानी कि जनता के हित की बात कभी नहीं होती है वहां पर, हर वक्त सिर्फ और सिर्फ पार्टी के हित की बात हो रही है। एक और टीएमसी में आपसी कलह जारी है। दूसरी ओर बीजेपी की शिकायत के बाद आज चुनाव आयोग की टीम बंगाल पहुंच रही है, यानी कि चुनाव आयोग भी अपना डंडा बरसाने वाला है टीएमसी पर यानी ममता बनर्जी पर। डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर सुदीप जैन 2 दिन के बंगाल दौरे पर रहेंगे। गुरुवार को 15 जिले के अधिकारियों के साथ उनकी बैठक है, जिसमें चीफ सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल होंगे। चुनाव से पहले तैयारियों को लेकर चुनाव आयोग का दौरा अब हर कुछ दिन में होता रहेगा, यानी चुनाव अधिकारी बार बार दौरा करते रहेंगे, क्योंकि टीएमसी जिस तरीके से माहौल वहां बना हुआ है और टीएमसी के कार्यकर्ता इतने उग्र हो गए हैं कि वो बार बार बीजेपी के कार्यकर्ताओं पे, बीजेपी के अधिकारियों पे और अब तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर ही हमला कर दिया। ये चीजें तो गौरतलब है कि बीजेपी के एक प्रतिनिधिमंडल ने दिल्ली में चुनाव आयोग से बंगाल में स्थिति को लेकर शिकायत की थी, राज्य में आचार संहिता लागू करने की अपील की थी, यानी 6 महीने पहले आचार संहिता लागू करने की अपील कर दी। अभी चुनाव को 6 महीने हैं, 6 महीने पहले ही सरकार गिरने की नौबत आ गई है और स्थिति ये हो गई है कि चुनाव आयोग पहुंच रहा है और तमाम चीजें जो चल रही हैं, पूरी की पूरी पार्टी टूट रही है टीएमसी। इससे साफ तौर पे जाहिर होता है कि तानाशाही ज्यादा दिन तक चलती नहीं है। ममता बनर्जी का जो घमंड है वो पूरी तरीके से टूटने वाला है। और आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिए कि ऐसी सरकार के खिलाफ आपकी क्या राय है, आप भी लिखिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। बहुत जल्द आ रही है ओनली न्यूज ग्रुप की न्यूज मैगजीन द न्यूज ओशन, जहां आपको मिलेगी हर खबर सच की तह तक।